वन्दे गुरुपदोद्वन्द्वं भक्तबिन्दसमन्नितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्देराधिका चरणोदयं गोपीजनसमयुक्तं बिन्दावनं मनोहरम्

सदानुरक्तगुरुभोक्तियुक्तो भोक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्भरुन्यो देयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तेथास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भीतात्तिहं पुनतपाल् भवद्दिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणम् যৎপা প্লবনকচন্দমিছা বিসুজিত গপবধু সূরণানু রগর সসাগর সারমূর সারাধিকা কৃপা করি কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিতন্দতগদাধর শিব সদি গৌরভক্তিদ श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री श्रियाद्वैत गदाधर शिव सदी गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम রাম হরে হরে আজানুম্বিতভুজৌ কনকীর্নৈকিত কমলা হুতাক্ষ বিশ্বাম্বরজ বৌযধর্মপাল বন্দে জগৎপ্রিয় করুণাভত हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरासुरैर्बन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिञ्च मुक्तिं च ददासि नितं भावानुरूपेण सदा नरानं गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभुषी नारायणो प्रियमनंग मदा पहारम बानसु पुरपति भजविश नाथम वागीश जु शुभदने लक्ष्मीर् जस च बक्षसि यस्यास्ते हृदय संबिह त्वं निशिंगमम भजे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जानष कृष्णाद विमुखोष दैवाद

भूतानी भाव्यानि जान स गौरी गोष्ठी पति शिशिल वक्त सिद्धांत सरस्वती गुरु स्वामी ठाकुर भोपा जी जगत गुरु जी ने बताए एक परमंश गुरु वैष्णव का सेवा करने के लिए अगर हमको कांटेक्ट करके नरक में जाना पड़े तो भी मैं तैयार हूँ गौरी गोष्ठी पोती भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पोपात जगत गुरु जी ने बताए एक परमंश गुरु वैष्णव का सेवा करने के लिए मैं कांटेक्ट करके नरक में जाने के लिए तैयार हूँ कोई हर्जा नहीं है मैं इतना बड़ा अभिमानी हूँ जे जगत का उल्टा चिंतन का जो स्रोत चल रहा है इसमें एक फिस्ट ऑफ फ्यूरी लगा के चूर चूर कर दूं ये दुनिया का जो उल्टा गलत रास्ता में जाता है गलत रास्ता में चल रहा है गलत सिद्धांत तो बोल रहा है शांत महात्मा का साथ विरोध का सब कुछ वो बात कह रहे हैं वो बात कह रहे हैं वो बात कह, कह रहे हैं मैं इस जगत का जो जो सब आदमी है इसका ऊपर मैं मुष्टाघात मुष्टाघात करके इसको चूर चूर करना चाहता हूँ इसको जुक्तो वैराग्य बोला जाता है इसका नाम है जुक्तो वैराग्य साधारण आदमी समझेगा नहीं दैट इज कॉल एक्चुअल युक्त वैराग्य बात कहते थे आई कैन कम डाउन टू एनी लेवल फॉर द एक्चुअल पीचिंग ऑफ चैतन्यवानी बात एक उदाहरण देते हैं बोले दो गुलीखोर है दो गुलीखोर ये दुलीखोर दो गुलीखोर दो गुलीखोर रात का समय में नदी का किनारे बैठ के गुली खाता है गोली जानते हो गुली खो, और आग नहीं है कहाँ है आग तो एक गुली खो और नशे में आकर करे अरे उल्लू देख नहीं रहा यही तो आग है बोलो कहाँ है बोलो देख आग है वो आग कहाँ है भैया नदिया का उस पार ये नदी का उस पार आग जल रहा है और ये जो ये जो गुलीखोर है एक गुलीखोर करे तू उल्लू है देख नहीं रहा आग जल रहा है बोले ठीक है बोल के अपना नशे में एक गुली को आग में जलाने के लिए ऐसा कर दिया हाथ इतना दीख इतना देर क्यों लग रहा है नशे में आगे कह रहा है पोपाद इस घटना को बोलते हुए कह रहे हैं जो कर्म मार्ग में जो ज्ञान मार्ग में प्रयास प्रचेष्टा करते रहते हैं ये लोगों का प्रयार, प्रयास प्रयास प्रचेष्टा ऐसा ही बेकार है ये लोगों का जो प्रयास प्रचेष्टा है सब बेकार है एक गुलीखोर का माफी एक रास्ता है शुद्ध भक्ति का विशुद्ध भक्ति का युक्त वैराग्यों का रास्ते में जाकर ये जो शुद्ध भक्ति इसमें फायदा है बाकी कुछ नहीं है फाका बहुत देर लगे बहुत देर बहुत इसलिए ब्रह्मा जी ने बहुत आक्षेप करके बताए अथा पिते पदाबुजेश अनुगृहित एवं जना तत्व हैं भगवान महिमनो न च एक चिरन विचिन्न ब्रह्मा जी आक्षेप करके कह रहे हैं जो भी है गौरी गोष्ठीपति श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जगत गुरु जी ने कह रहे हैं श्री शिला पुरीपाद जी हमारा तमाम गौरीय भजन का खंबा है एक मेन खंबा है शिला पोपात कह रहे हैं आई दीनदयादनाथ हे मथुरा नाथ कदाबल शहीदम तदलोक कातरम दैत ब्रह्मति किम करोमि अहम पोपात कह रहे हैं ये गौरीय भजन का सिक्रेसी है ये जो फॉर्मूला बताए ये जो शिलो माधुविंदुपुरीपाद जी ये जो शिलो माधुविंदुपुरीपाद जी अपना शरीर छोड़ने का पहले ये जो विप्रलम्ब भाव के साथ ये जो श्लोक का उच्चारण की रोते रोते पपात कह रहे हैं विशेष ध्यान दे ये हमारा गौरी भजन का सिक्रेसी है अगर कोई गौरी वजन करना चाहे वास्तव तो उनको इसी रास्ता में आना है ये जो श्लोक शिला बात जी का जवान से निकला हुआ है ये राधा रानी का जवान से निकाला हुआ कृष्णदास कोबीराज जो उसमें कह रहे हैं ये राधा रानी का स्फूर्ति है राधा रानी का ये जो ये जो आक्षेप है कर रही है बाय चांस माधुबिंदुपुरीपाद जी का हृदय में राधा रानी का कृपा के द्वारा प्रकट हो गया प्रकट हो गई एक्चुअली ये राधा रानी जी का श्लोक है राधा रानी जी एक्सट्रीम विप्रलम्बों में विभोर होकर कह रही है आप तो तुम मथुरा नाथ हो अब तो तुम मथुरा ना थो मथुरा में चले गए हो वहाँ सारे एजुकेटेड बहुत एडुकेटेड परिचारिका आपका होगी बहुत सारे बहुत सारे शिक्षित हम लोग तो अनपढ़ हैं ग्वरिया है, हम लोग हमारा पास क्या है आपको सेवा करने का कोई तो व्यवस्था है नहीं सही ढंग से इसीलिए एक अफसोस एक एक ऐसा एक विप्रलम्ब भाव का सर कह रहे हैं कि आप आ, आज आप मथुरा नाथ हो वृंदावन वृंदावन चंदो पहले थे अभी आप मथुरा नाथ हो माधवंदपुरीपात विप्रलम्ब भाव में विवर होकर ये श्लोक उच्चारण कर रही है कर रहा है आई दिन दैरदनाथ आई दिन दर्दनाथ अई मथुरा नाथ कदाबल का शहीद अंग तदलोक कातरम आपको आ, आपका साथ मिलने के लिए हृदय चूर चूर हो रहा है बिगलित हो रहा है आपका साथ मिलने के लिए हृदय बिगलित हो रहा है कहाँ करूँ कहाँ जाऊँ जो महाप्रभु का हृदय में आ था कहाँ जाऊँ कहाँ पाऊँ ब्रजन ये भाव है अब प्रश्न ये आता है ये गौरी भजन का सबसे बड़ा सिक्रेसी है आप लोगों में ये क्वेश्चन आ सकता है महाराज बिंदु पुरी पाद जी तो है माधा गौरी माधाचार्यों का साथ कनेक्शन है हमारा गौरी सम्प्रदाय का कैसे खंबा बन गया ये प्रश्न आ सकता है सुबह में अंग्रेजी कथा में डिटेल डिस्कशन हो रहा था अभी थोड़ा टच करके हम आगे चले यह प्रश्न आ सकता है कि माधविंद्रपुरीपाद जी माधाचार्य जी का साथ संप्रदाय के साथ कनेक्शन है वो कैसे हो गया इसका उत्तर है जब भी बाहरी दृष्टि में माता जी जो समुदाय का है फिर भी सिलहन मिश्रो शिलहन मिश्रो मतलब सिलहन मिश्र कौन है जो करना मित्र लिखा है इसका पहला नाम सिलहन मिश्रो अभी का नाम क्या है अभी का नाम है आपका बिल्ला मंगल ठाकुर बिल्ल मंगल ठाकुर बहुत साल पहले गौरंग महपू गौरंग महपू प्रकोट विहार करने का बहुत पहले लीलासुख साढ़े सात सौ साल ब्रह, ब्रह्म कुंड का किनारे बैठकर लीला सुख तमाम भगवान का लीला दर्शन कर रहे थे सात सौ साढ़े सात सौ साल हमारा टीकाकारों ने गुरुवर्गो ने बताया ऐसा मापिक प्रेम संपत्ति एकमात्र गौरंग महाप्रभु का कृपा के द्वारा ही संभव है ऐसा कि किसी का प्रेम संपत्ति जो बिल्ल मंगल ठाकुर को मिला है और जो पुरीपाद जी को मिला है ये एकमात्र संभव तो है ओनली पॉसिबल द मर्सी ऑफ गौरांग अब तो तो गौरंग नहीं था उस समय प्रकट विहार नहीं कर रहे थे टीकाकारों ने बताया जब भी बाहरी दृष्टि में गौरंग महापू का प्रकुट विहार उस समय नहीं चल रहा था फिर भी लीला नित्य गौरंग लीला नित्य विराजमान है औद्यापियो से ही लीला करे गौर राय कोनो कोनो भाग्य बने देखी बारे पाए लीला नित्य है इटर्नल है गुरुवर्ग कह रहे हैं बिल्ल मंगल ठाकुर के हृदय में मोल्ट गोल्ड अजानुलंबित हु जो कनका ये जो अवतार है बिल्ल मंगल ठाकुर का हृदय में ये दर्शन दी बिल्ल बिल्ल मंगल ठाकुर के हृदय में ये जो अजान लंबित हु जो कनकाबातो ये दर्शन दिए हैं इसीलिए इसका हृदय में इतना प्रेम में विगलित हो गए और माधवबिंदुपुरी पास जब भी गौरंगम्पो आने का पहले गौरंगम्पो आने का बहुत पहले फिर भी इनके हृदय में भी गौरंग महाप्रभु का गौरंग महाप्रभु का प्रकट हुआ था हृदय में इसीलिए इस प्रकार का प्रेम संपत्ति भरपूर प्रेम संपत्ति विराजमान है हमारा संप्रदाय में बहुत सारे व्यक्ति है गद्दार है गद्दार हमारा खुद संप्रदाय में बाहरी संप्रदाय में नहीं है हमारा संप्रदाय में ही बहुत सारे गद्दार निकालेगा जो लोग कहता है कि हमारा मादाचार्यों से कोई ताल्लुकात नहीं है क्या ताल्लुकात है बेकार मादाचार्य कोई ताल्लुका नहीं है हमारा ऐसा कहते हैं भक्तिम ठाकुर जी कह रहे हैं हर हालत में हमारा मादाचार्यों का साथ ताल्लुकात है इन लोगों का शिकायत है इन लोगों का कॉम्प्लेन है इन लोगों का प्रतिवाद है कि हमारा बलदेव विद्याभूषण जी माधाचार्यों का संप्रदाय में थे बाद में श्यामानंद प्रभु का शिष्य इनके साथ शास्त्र विचार में पराजित होकर और गौड़ी संप्रदाय को स्वीकार की हमारा संप्रदाय में कुछ गद्दार व्यक्ति कह रहे हैं जब गौड़ीय संप्रदाय में मादाच हमारा गौड़ीय संप्रदाय में जब बलदेव विद्याभूषण जी प्रविष्ट हुए तो ही वांटेड टू मेक वन कनेक्शन विद माताचार्य बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी इन माताचार्य ऐसा करके लोग इल्जाम देता है ये पहले माताचार्यों में था ग्रुप में सो so ये एक ब्रिज ही वांटेड टू कनेक्ट सच्चिदानंद भक्ति में ठाकुर जी ने बताए जो लोग गौरी संप्रदाय आश्रय करके मादाचार्यों का साथ कनेक्शन नहीं मानता है एक ये, ये कली का चर है स्पाई है ये कली का जासूसी कर रहा है कली के लिए वो कली का जासूसी कर रहा है ये कभी भी गौरिया मठ का है नहीं धाम परिक्रमा प्रसंग में चर्चा करने जाओ भक्ति में ठाकुर जी ने लिखा है तमाम आचार्यों हु नॉट एवरीबॉडी बॉडी माताचार्यों जो लेकर रमनुजीचार्यो विष्णु स्वामी निम्बार्काचार्यों हु नॉट इवन शंकराचार्यों हम काल से चर्चा करेंगे एक एक धाम एक एक जगह का महिमा का बारे में आप लोगों का कृपा लेकर कौन नहीं आया चतुसंश से लेकर नारद जी तक सप्तर्षि सप्तर्षि लेकर हु नॉट शंकर भगवान खोद सारे सारे के सारे ये नवद्वीप धाम में आए क्योंकि नवद्वीप धाम नित्य विराजमान है ये गोलोक ही है कार्य चर्चा कर रहा था ना ये धाम ही है हर कुछ है ये गोलोकधाम से तो गोलोकधाम अब ये प्रश्न आता है जो लोग ऐसा इल्जाम लगाता है कि बलदेव बिद्याभूषण जी पहले माताचार्यों के संप्रदाय में थे और बाद में घोड़ी संप्रदाय प्रविष्ट होने का बाद एक कनेक्शन जोड़ने का कोशिश की लेकिन भक्सीनाथ ठाकुर जी ने धाम खंड और परिक्रमा खंड में लिखे जब माताचार्य जो भी आए रामानुचार्य हु नॉट एवरी बॉडी हर माताचार्यों को दर्शन दिए गौरंग निम्बार को चार्य को दर्शन दिए विष्णु शामू को दर्शन दिए रामानुचार्य को दर्शन दिए चतुसंघ को दर्शन दिए सारे शंकराचार्य को दर्शन दिए अब बताए यहाँ चलेगी नहीं यहाँ तुम्हारा चलाकी चलेगी नहीं जाओ मायाबात मैंने आदेश किया था बट टू मेक फुल ऑफ पीपल दोजू आर बिजी विथ मायावात मतलब जो लोग आशूरिक प्रवृत्ति सम्पन्न हो डेमोनिक कैरेक्टर टू मेक फुल ऑफ देम ये लोगों को बुखा बनाने के लिए आपको आदेश किया दैट डजेंट मीन हैं यू कैन ट्राई टू प्रीच दिस फिलोसॉफी हियर इज नवर दीप नो चले जाओ नवद्वीप में चलेगी नहीं चलो दूसरा जगह जाओ शंकर भगवान चल दिए शंकराचार्यो जो को दर्शन दिए गदगद हो गए माधवाचार्यो जो गदगद गए दनवत किए प्रभु ने बताए आपने मायावादी विचार को इतना कठोर भाव से खंडन खंड विखंड कर दिया कि मैं प्रसन्न हूँ हाँ जो रामानुजाचार्य जी भी जो जी इन्होंने भी मायावाद विचार को खंडन की ऐसा नहीं कि किया नहीं बाद जो रामानुजाचार्यो परपक्ष जो परपक्ष गिरिवर्जो बोल के एक किताब जो लिखा है इसमें मायावाद विचार को खंड विखंड कर दिया एकदम इतना बड़ा इतना मोटा मायावाद विचार को खंड विखंड कर दिया लेकिन फिर भी मापो कह रहे हैं आप मायावाद विचार को और ज्यादा कटोर भाव से आपने चूर चूर कर दिया और एक विशेष बात है कि आप ये जो सच्चिदानंद विग्रह को आदर करते हैं, बहुत आदर करते हैं क्योंकि बाल गोपाल प्रकट हुआ था माता जय जो चंदन का एक बड़ा ढेला है वो टुकड़ा होके बीच में से गोपाल निकाला है वो उरूपी में ये गोपाल का दर्शन होता है आप बड़ा जतन के साथ विद वेरी केयरफुल केयरफुल इिपिंग बड़ा प्रेम का साथ ये लोग प्रभु का सेवा करते बाल गोपाल का महापू जी ने बोला आपका संप्रदाय मैं ग्रहण करूं बहुत जल्दी मैं जल्दी बहुत जल्दी मैं आने वाला हूं कलिकाल में मैं बहुत जल्दी आने वाला हूं मैं बहुत जल्दी आने वाला हूं और आपका संप्रदाय को मैं ग्रहण करूं बोल के दिया महापू जी ने गौड़ी संप्रदाय का साथ हर हालत में जीव गोपात प्रमाण किया जीव गोष्ही पाद जी प्रमाण किया भक्ति में प्रमाण किया हर हालत में हमारा माध्वाचार्य वृद्ध वैष्णवई ऐसा करके जीव को संयपात लिखा है वृद्ध वैष्णव मतलब माध्वाचार्य का नाम लिया है इनके सिद्धांत तो विचार करके मैं अपना संदर्भों को रचा लिख रहा हूँ माध्वाचार्य हमारा जो माध्वाचार्य जी का साथ कनेक्शन है इसलिए हमारा संप्रदाय का नाम है माध्व गौरियो संप्रदाय जो भी है चलो खैर कोई बात नहीं सिलो माधवबिंदुपुरी पाद निष्किंचन वैष्णव श्रेष्ठो जिन्होंने अद्वैत गोसाई को दीक्षा दी जिन्होंने नित्यानंद बलराम को दीक्षा दी हैरान की बात है स्वयं अद्वैत गोसाई इनसे दीक्षा ली हमारा नित्यानंद स्वयं भगवान स्वयं भगवान ही तो है प्रथम प्रकाश विग्रह गौरंगमा पो स्वयं भगवान तो इन्होंने भी माध्वाच हमारा माधोविंदपुरी पुरीपा जी से लिए क्यों इनके अंदर में प्रेम की जो धारा है गौरंग महापू का प्रेम का धारा ध्यान दे अगर गौरंग महापू का प्रेम न अगर गौरंग महाप्रभु महाप्रभु का प्रेम का धारा नहीं मिलता है नहीं मिलता अगर नहीं मिलता तो नित्यानंद बाबू कदापि ग्रहण नहीं करते कदापि नहीं ग्रहण करते और अद्वैत गोसाए भी साक्षात भाग क्या बताओ महाविष्णु जगत करता उन्होंने ग्रहण किया ये सब जो अप्रूवल है क्योंकि अद्वैत गोसाए गौरांग छोड़ के कुछ सुनना नहीं चाहता और नित्यानंद बाबू नित्यानंद बाबू गौरांग छोड़ के कुछ सुनना नहीं चाहता तो इसमें यह साबित होता है पुरीपाद जी का अंदर में गौरंग महाप्रभु का जो प्रेम का संपत्ति ये भरपूर है ये प्रमाण है बहुत सारे शास्त्रों का प्रमाण गंग गौरंग गो, महाप्रभु गौरंग महापू जब सन्यास लेने का बाद गौरंग महापू जब सन्यास लेने का बाद नीलाचल धाम के लिए प्रस्थान की उस समय नित्यानंद प्रभु भी में थे आगे चलकर बालेश्वर में पहुँचे बालेश्वर में रेमुना बोल के एक जगह है आप जानते हो ये रेमुना पे वर्तमान समय में हम लोग बोलते हैं खीर चोरा गोपीनाथ पहले इनका नाम खीर चोरा गोपीनाथ नहीं था अब खीर चौरा गोपीनाथ जो है कैसे बना नाम ये आप जानते ही हो हम कोई विशेष बात कहेंगे ये खीर चौरा गोपीनाथ नाम हुआ नाम पर गया चैतन्य महाप्रभु जी ने जो ये जो चौरा गोपीनाथ है ये भगवान रामचंद्र जब कारण में वनवास में गए इस वनवास के समय सीता देवी का सामने अपने खोद ए धनुष का ये जो तीर का ये जो सर्प एज है इसके द्वारा खुदाई करते करते भगवान का क्षमता है ये गोपीनाथ बना था और सीता देवी को कह दिया ये मेरा ये अवतार भी आ रहा है कृष्ण अवतार गोपीनाथ तो कहने का मतलब है रामचंद्र जी ने खुद बनाया ये कोई साधारण डिग्रोह नहीं है और जहाँ गौरंग महा पहुँचे नित्यानंद वो सारे पहुँचे नित्य कीर्तन किए भगवान का सामने भगवान का सामने नित्य कीर्तन किए और गौरांग महाप्रभु जी जो ईश्वरपुरीपाद जी जो सुने हैं एक खीरचौरा गोपीनाथ का कहानी एक कहना शुरू कर दी महाप्रभु जी ने एक कैसे गोपीनाथ में चंदन चंदन यात्रा आदि जो कुछ भी है माधोविंद पुरीपाद जी का महिमा है इस बात पर थोड़ी देर बाद हम फिर आएंगे इस बात पर लौट के आएंगे अभी विचार ये हैं शिला माधवेंदु पाद जी सिला सनातन गोसाई शिलो रूपू गोसाई श्री जीव गोसाई राघव पंडित आई बात समझ में सारे परिक्रमा करते रहते हैं ये ब्रजमंडल परिक्रमा ब्रजमंडल परिक्रमा हर वक्त परिक्रमा करते रहते हैं अभी परिक्रमा माधवेंद्रपुरी जी भी करते रहते हैं माधवेंद्रपुरीपाद जी भी परिक्रमा करते रहते हैं अब परिक्रमा करते करते गिरिराज महाराज गिरिराज महाराज जी का परिक्रमा खत्म करके कुंड का किनारे बैठे बैठे, बैठे पेड़ का नीचे गोविंद कुंड का किनारे एक पेड़ का नीचे बैठे बैठे हरिनाम कर रहे थे इतने में एक छोटा सा लड़का आया कावर्ड बॉय छोटा सा लड़का आके कह रहे हैं बाबा ये दूध की कटोरा है या आप ले लो दूध के लोटा है आप पी लो खाते क्यों नहीं क्या ध्यान करते रहते हो माधवबंदुपुर जी ने पूछे तुम कहाँ रहते हो परिचय क्या है बोले हम बगल वाले गांव में रहते हैं हम तो बगल वाले गांव में रहते हैं तो दूध कैसे अब कैसे तुमको पता चला मैंने खाया नहीं भूख, भोजन पानी किया नहीं बोले हम नहीं जानते वो माता जी मेरा बोला है उसको इनको दूध दे के आ आया मेरी जानकारी नहीं दूध दे के माधव बिंदुपुरी बात को दूध दे के चले गए माधव बिंदु बात दूध पान किए और पात्रों लेने के लिए आना था वो आया नहीं पात्रों लेने के लिए वापस लेने के लिए आना था आया नहीं पुरी पाद जी अपेक्षा कर रहे हैं बाद में आया नहीं रात का टाइम पे जब सुबह का समय हुआ नाम करते करते थोड़ा एक नीत का झोंका आया उसी समय में गोपाल सपने में आए और कह रहे हैं तुमने मेरे को समझ नहीं पाया मैंने तुमको दूध दे आया था तुम कौन हो मेरा नाम गोपाल गोपाल यस yes. मेरा नाम गोपाल है माधव बिंदुपुर सुनते ही बेहोश हो गए जे साक्षात कृष्ण मेरा सामने आया मैं पहचान नहीं पाया हाय हाय राम राम गिर गए और फिर उठे सपने में कह रहे हैं सपने में कह रहे हैं स्वप्न में चल रहा है अभी सपने में आके कह रहे हैं कि मेरे को उठाओ जंगल में मैं विराजमान हूँ मेरा सेवक मुसलमान का आक्रमण के डर के मारे मेरे को जंगल में फेंक कर चले गए आप कृपा करके कौबे माधव आशी मोर कोरीवे सेवन मैं देख रहा हूँ गोपाल कह रहे हैं गोपाल जी कह रहे हैं मैं रास्ता देख रहा हूँ कब गो कब माधविंदु आके मेरा सेवा करे क्यों सेवा करे भगवान तो सरिस भगवान तो सेल्फ सेटिस्फाइड है भगवान का तो कुछ कमी नहीं है क्या कमी है तो भगवान सेवा लेने के लिए आ रहे ऐसा कह रहे हैं माधव बुद्धिपुरी बात ऐसा माधव बुद्धिपुरी बात का सामने गोपाल कह रहे हैं ऐसे क्यों भले ऐसा ही भगवान का लीला है जब भी भगवान स्वयं संपूर्ण है भगवान में कोई कमी नहीं है फिर भी भगवान हम लोगों का सेवा करने के लिए विग्रोह का रूप में आता है धाम का रूप में सेवा का महलत देता है गुरु वैष्णव का रूप में हमको कृपा करने के लिए आता है धाम का नाम ऐसे ही भगवान का लीला है अब क्या करें भगवान का ऐसा ही लीला है जब भी भगवान स्वयं संपूर्ण है भगवान ने कोई भगवान में भगवान में कोई कमी नहीं बदो वो को कृपा करने के लिए भगवान आता है काल एक श्लोक काल या परशु एक श्लोक बताया था याद है प्रभु रिज लाभ पूर्ण मानम जनद अभिदूष करुण दे श्लोक बताया था इसका माने थोड़ा टाच करके आगे बढ़ने का इच्छा वहां लिखा हुआ है लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है उधर क्या पुरिपाद जी पाद जब विग्रोह का बारे में कह रहे हैं गोपाल जी का दर्शन यह एक विशेष बात है भगवान क्यों इस जगत में धाम का रूप में नाम का रूप में काल भी चर्चा किया था ये विशेष कारण है भागवत का एक सपोर्टिंग श्लोक हमने कल उठाया था व्याख्या नहीं कर पाया नैवात्मनो मनो प्रभु नैवात्मन प्रभुर निजलाभपूर्ण मन जनाद विदुषो कूनो वृणीते जज जनो भगवते विदधी मन तच्चात्मने प्रतिमुखश्चा मुखश्री नैवात्मनो प्रभुर निजलाभपूर्ण प्रभु अपने आप में स्वयं संपूर्ण है टोटली सैच्येटेड देर इज नो डिसेटिस्फेक्शन नो डिमैंड भगवान का बात छोड़ो जो आत्माराम पुरुष है भगवान का बात छोड़ो जो आत्माराम पुरुष है उसका भी किसी चीज़ का जरूरी है नहीं वैष्णवों का गुरु वैष्णव का जिंदगी में कोई समस्या नहीं है आप गलत देख रहे हो कोई समस्या नहीं है मैंने बहुत दिन पहले एक चर्चा किया था शायद अब भूल गया अंग्रेजी कथा में बृहद भगवत मृत में ये जो पांच पांडव पांचों पांडवों का जिंदगी में इतना सारे मुसीबत बच्चा को मार दिया ये क्या कुछ नहीं किया आग में जलाने का कोशिश किया पत्नी को बेइज्जती करने के लिए कपड़ा उतर रहे है को क्या कुछ नहीं किया जंगल में भेज दिया मारने के लिए दुर्भाषा को भेज दिया ढेर सारे मुसीबतें आते रहते हैं अब आप अगर बोलो कर्मफल का अनुसार मुसीबतें आते रहते हैं तो आपका सिद्धांत तो गलत है पांच पांडवों का जिंदगी में जो मुसीबतें हैं ये अपना कर्मफल का अनुसार नहीं है ये भगवान के द्वारा प्रेरित भगवान ने मुसीबत भेज दी यस भगवान ने इच्छा करके मुसीबत भेज दिया भगवान ने अगर मुसीबतें नहीं भेजते तो संत महात्मा का महिमा आगे नहीं बढ़ता इच्छा करके भगवान गुरु वैष्णव का जिंदगी में कोई मुसीबत नहीं है बाहरी दृष्टि में जो मुसीबतें आते रहते हैं कभी कभी दैट इज फॉर योर टेस्टिंग आपका दिल में भगवान गुरु वैष्णव के लिए कितना प्यार है आपका हृदय में गुरु वैष्णव के लिए कितना प्यार है हाउ मच आर डेडिकेटेड इसको परीक्षा करने के लिए पोपा जी को मुसीबत में डालने का कोशिश कितना आदमी मारने का पूरी में मार के फेंक दें परिक्रमा चल रहा था आप जानते हो आप जानते हो ये सब ये बोलने का दरकार नहीं पूरा माता में केशव गो से माया लीला किया केशव गो से मैं इच्छा करके लीला किया जो का कुरे से ऐसा माफी तो क्या पोपात का जिंदगी जिंदगी में जो मुसीबतें हैं पोपात को मार के फेंक देगा काट के फेंक दें भक्ति ठाकुर जी ने पुरुषोत्तम धाम क्या क्या गुना किया भले पक्का हरि कथा बोला भक्तिमय ठाकुर जपमाला माला कर ब्रजपत्तन में, में मतलब नवदीप धाम जो मूल मठ है वहाँ भेज दिया वहाँ करोड़ों हरिनाम जग्गो एक शतो नाम, एक शतो कोटि नाम जग्गो शतो कोटि नाम जग्गो शा, शुरू किया गुरु वैष्णव का जिंदगी में कोई मुसीबत नहीं है अगर है ये अपना कर्मफल नहीं है ये परीक्षा करने के लिए आप लोगों को आप लोगों का अंदर में कितना चाहत है कितना प्यार है प्रपात इसका उत्तर दी गुरु वैष्णव का अपमान में प्रोपा जी इसका उत्तर दी कई बार प्रपाद जी बहुत बार इसका उत्तर दी ये गुरु वैष्णव का अपमान गुरु वैष्णव का अपमान बेइज्जती सहन करना ये भक्ति का खिलाफ है ये भक्ति का खिलाफ़ है सत्यनाश हो जाए इसीलिए भक्ति का खिलाफ़ जो कुछ है गुरु वैष्णव का खिलाफ़ इनमें प्रतिवाद करना केशव किसी मैंने दिखा दिया कि तरह तरह का केस चल रहा था ये महापुरुषों का ऐसा क्षमता है इन पुरुषों में इन महापुरुषों में इतना क्षमता है कि कोर्ट की केस को भी भक्ति में बदल दे इसका नाम है इसका नाम है बहुत सिक्रेट युक्त तो वैराग्य इसका नाम है रूपानुगो को भजन कोर्ट केस को भी केशव गुस्से महाराज जी ने भक्ति में बदल दी चल फाइट करे तेरा साथ कितना बड़ा माई का लाल है चल केशव महाराज जी ने कितना केस है महाराज पागड़ी लगा कर रिक्शा में बैठ के चल रहा है अदालत में कोई कुछ कर नहीं पाया कितना झूठा इल्जाम दिया कुछ नहीं कर पाया ये तो हमारा केशव गुस्से महाराज है दूसरा आदमी होता तो भग जाता कितना बड़ा बड़ा गुंडा मथुरा में जिस जगह केशव जी गोरिया मठ का उद्धार हुआ पाप रे बाप चुचूड़ा में कितना गुंडाबाजी हाय राम आप लोग होते तो डर के मारे भाग जाते ये तो केशव को करके दिखाया डर नहीं है गुरु वैष्णव के हृदय में जानते हैं फिर भी एक्शन तो लेना ही पड़ेगा और तो क्या करे ये भी भक्ति है क्या करे भगवान श्री कृष्ण ने सिखा दिया छोटे साठ्यम अगर दुर्योधन को अगर दुर्योधन को पनिशमेंट देने के लिए कुछ कुछ झूठा का सहारा लेना पड़ा इसमें गलती नहीं है क्योंकि इसका सरासर झूठा है अगर भगवत भजन के लिए थोड़ा झूठा का सहारा लेना पड़े ये भक्ति है केशव कोशी महाराज ए जो किया है केस पर बहुत सारे भक्ति में ठाकुर जी ने भी उत्तर दिए है बहुत सा कभी हम चर्चा करेंगे अभी टाइम नहीं है ऐसा करके पोपा जी ने बताए इसका नाम है गंभीर रूपानुग को भजन कोर्ट केस लिटिगेशन कैन बी कन्वर्टेड इथ भक्ति हमारा भक्ति रकम सिदुर्ग से महाराज जी ने बताया जब धाम से राधा माधव चोरी चोरी कर चोरी करने के लिए आया था डाकू लोग भग रहा था तो गोली चलाया था एक भक्तों ने गोली चलाया था एक भक्तों ने इसमें एक डाकू मर गया था स्पॉट डेट भक्तों लोगों ने हमारा परम श्रीधर गोसिंह महाराज का पास शिकायत करने गया एक कैसा, लोग है, एक है। कैसा लोग है गोली चलाता है कैसा लोग है गोली चलाता है ये क्या भक्तो है क्या बाबा है श्रीधर गुस्से महाराज बोले हाँ ये लोग बाबा है ये लोग साधु है जब राधा माधव को चोरी करके ले जा रहा है देन फायरिंग इज भक्ति जब राधा माधव को चोरी करके ले जा रहा है देन फायरिंग इज ए भक्ति कुत्ता मेरा मंदिर में घुस रहा है कुत्ता को लाठी लेके भगाना ये भक्ति है आपको अभी जानकारी नहीं है इट इज कॉल भक्ति इस कॉल इसको भक्ति बोला जाता है गौड़िया समाज में क्या कुछ नहीं हो रहा चारों प्रतिवाद करने के लिए कोई ने सब लिविंग डेड बॉडी कुछ नहीं है खैर छोड़ो अभी ये जो पुरीपाद जी का प्रसंग है पुरीपाद जी को गोपाल जी प्रार्थना किए उसका बाद आप जानते ही हो मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ विशेष तत्व चर्चा करें तो अच्छा है ये सब तो आप जानते ही हो फिर भी दो शब्द कह दे नहीं तो इनकम्प्लीट रह जाएगा माधव पूरी पाद जी सुबह में उठकर गांव वाले को बुलाए गोपाल को उधर से निकालें हम हम काट शॉट कर रहे गिरिराज महाराज का ऊपर लाके एक टेम्पोरि टेम्पल बनाए बाद में मथुरा से एक सेट आया मंदिर बना दिया गोपाल का अन, अन्नकूट महोत्सव चलने लगे तमाम ब्रजभूमि में फैल गया बात तमाम बजभूमि में ये बात फैल गया कि सिन्हा जी महाराज प्रकुट हुए हैं धारी इनके सेवा करने के लिए एक एक ब्रजवासी तमाम दुनिया भर का चीज लेके आते रसोई करके माधविंदोपुरी बात का अनुगत्व में भोग दे रहे ऐसे अन्नकूट महोत्सव हमारा जिंदगी में गिरिराज ग्र, महाराज का पूजन किए नंद बाबा जस ये भी है आ हमारा माधवबिंदुपुरी पाद जी भी किए हैं कितना सुंदर बात और सेवा जब चल रहे थे गोपाल फिर सपने में आए कह रहे हैं कि मेरा शरीर में जलन हो रहा है इतना दिन तब धूप पानी में रहे और एक काम करो माधवेंदो आपको जाना पड़ेगा मलयज चंदन लेने की अन्य हुई थे नें तुम्हें चलो हो सत्य और यू कैन नॉट एंगेज एनी बॉडी यू विलव टू गो अन्य नो तुम्हें चलो हत गोपाल कह रहे हैं अब देखो भगवान भगवान का शरीर का जलन हो रहा है भगवान का कोई कमी है क्या इच्छा करके ये जो श्लोक बताया था ये श्लोक में लिखा हुआ है जब भी भगवान स्वयं संपूर्ण हो फिर भी हम लोगों को कृपा करने के लिए विग्रह रूप में प्रकट हो जाए धाम रूप पे नाम रूप पे परिकर वैशिष्ट है तो खेल, ये तो भगवान का मज़ा है भगवान करते रहते हैं ये भगवान का एक मजाक है भगवान स्वयं संपूर्ण है फिर भी आए जैसे वेदांतों में एक सूत्र आता है हम इसका चर्चा नहीं करेंगे थोड़ा सा इंडिकेशन देने के लिए उठाया बात को लिखा है अगर दर्पण में दर्पण जानते हो मिरर अगर दर्पण में आप अगर दर्पण में आप अपना सकल को देखना चाहते हो तो क्या देखोगे भले जैसा लिखा है जैसा हम है वैसा देखेंगे आई बात समझ में ऐसा कह रहे हैं कि अगर एक मिरर, एक शीशे का ओर हम देखें शीशे में अपना सकल को देखना चाहे तो कैसा देखें मिरर कैन रिफ्लेक्ट द सेम थिंग व्हाट आई एम गोइंग टू शो जैसे हम हैं, ऐसा देखेंगे ऐसा ही बात इस श्लोक में लिखा हुआ है नैवात्मनो प्रभुर निज्लाभ पूर्णो मानम जनाद विदुषो करुण विनीत जद य जनो भगवते विदी तमानम तश्चात्मने प्रतिमघुश जथा मुखोश्री जैसे दर्पण में अपना सकल को देखो कैसा देखोगे जैसा है ऐसा देखो भगवान का हृदय इतना निर्मल जो कोई अगर भगवान के सामने सेवा भाव सेवा करने के लिए आता है सेवा भाव लेके भगवान का रिफ्लेक्ट द सेम पिक्चर टू कोई अगर गुंडाबाजी करने के लिए आए गुरु वैष्णव के सामने भगवान का वो ऐसा ही होगा वो ऐसा ही होगा दूसरा कुछ नहीं होगा जैसा का तैसा ऐसा करके माधविंदुपुरीपाद जी से सेवा लेने के लिए गोपाल का इतना पड़ा है कौबे माधव आशी मोर कोरीबे रिबे मैं रास्ता देख रहा था कब मेरा माधव आके मेरा सेवा करे क्या क्यों क्या क्या कुछ कमी है आपका भले ऐसा ही नियम है भगवान माधवबिंदुपुरीपाद जी से सेवा लेके लिए तरसते हैं कब सेवा करें माधविंदु देख रहा है रास्ता कब आएगा मतलब अब आ गया कहने का मतलब है भगवान संतुष्टो हर वगत सेचुरेटेड फिर भी फिर भी गोपाल सपने में आके कहे ऑन नुम चलो सत्तर मेरा शरीर का जलन हो रहा है ऐसा करो जल्दी चलो नीलाचल धाम क्रॉस करके चलो वहां दक्षिण भारत में और मलय जो चंदन लेके आओ उसको घिस पीस के घिस के पानी के साथ और करपूर घिस कर मेरे शरीर में लिपाई करो जब हमारा जलन जा सकता है नहीं तो कोई रास्ता नहीं बाय गेटिंग दिस ऑर्डर ये ऑर्डर मिलने का साथ साथ माधोपतिपुरी का चौंक गया आनंद से उछल पड़े और इतने में बंगला से दो नौजवान लड़का आया ब्राह्मण का लड़का इन दोनों को सेवा सिखा दिया अब ब्रजवासी लोग तो है ही है अनित तो सेवा चलते रहेगा और इतने में पाद चंदन लेने के लिए चंदन इकट्ठा करने के लिए और धाम में आके उसको घीस पीस के को पूरा चंदन सीना जी का शरीर में लेपाई करे इसलिए चल रहा है खुदा तृष्णा कुछ नहीं है नमानंदे तृप्तो पूरी ऑल एज सेटिस्फाइड हर वक्त संतुष्ट है आनंद है सेचुरेटेड है अब चलते चलते अरे मुना आए अभी हो पहले का जो टॉपिक्स इसका साथ कनेक्ट करने के लिए हमने बताए ये जो टॉपिक्स है कभी हमारा गौरंग महाप्रभु लीला किया ईश्वरपुरी पद का सामने ये लीला श्रोवण करने का बहाना बनाया वो याद है अब ये लीला को आगे चलकर नित्यानंद प्रभु और ढेर सारे भक्तों का सामने इसका महिमा कह रहे हैं कि देखो कैसे खीरचोरा गोपीनाथ बना ऐसा करके महाप्रभु कहानी बता रहे हैं थोड़ा सा हम टाच करेंगे फिर सिद्धांतों में जाएंगे, गप करने के लिए नहीं बैठे फिर भी कहना पड़ेगा क्योंकि टॉपिक्स है थोड़ा महाप्रभु जी ने नित्यानंद प्रभु सारे भक्त लोग नित्य कीर्तन किए और इसके बाद माधविंदुपुरीपाद जी का कहानी सुनाए अब हम माधविंदुपुरीपाद का कहानी क्या है उसको थोड़ा टच करें माधव बंदुपुरीपाद कवि चंदन लेने के लिए जाते जाते अभी आ गया फिर चौरा गोपिना अब आके आरती दर्शन किए नित्य कीर्तन किए सारे कर गी, सारे कर दी हो गया इसके बाद पुजारी को हाथ जोड़ के पूछा पुजारी महाराज क्या क्या सेवा लगता है बोले क्या करोगे जान के बोले हम जान के हमारा गोपाल को वृंदावन में ऐसा सेवा लगाएंगे उत्तम भोग वेरी वेरी हाई क्लास और रात का समय में पुजारी ने बताया रात का समय में अमृतो के लिए खीर अमृतो के लिए खीर दादोश पात्रों बारह मिट्टी का मिट्टी का ये जो है मिट्टी का ये पात्र है बारह पात्र बारह पात्रों में एक खीर भरपूर है रात का समय पे खीर चरक <coughs> रात का समय पे पुजारी आरती करने का पहले खीर को भोग लगा के खीर निकालकर आरती करके शयन आरती होता है माधुपति पुरीपाद ने सुना है अमृत के लिए खीर है मन में ये विचार आया अगर बिना मांगे अगर बीना मांगे अगर बीना मांगे अगर थोड़ा सा भी खीर मेरा हाथ में आ जाए थोड़ा टेस्ट इसको चक के इसको चाक के हमारा गोपाल जी को ये ऐसा किस्म का भोग लगाएंगे थोड़ा बहुत चखने के लिए खाने के लिए नहीं जब ये मान जब ही हृदय में ऐसा भाव पैदा हुई माधवबिंद्रपुरी बात शर्मिंदा हो गया कैसा बात है आज मेरा दिल में एक खीर खाने का लोप पैदा हुआ छी 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 हाय 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 आराम राम कहने का लायक नहीं है जल्दी जल्दी क्या किए शर्म के मारे चले गए मंदिर से मंदिर से जाके एक विलेज मार्केट गांव का एक मार्केट में बैठ के जप रहा है कोई सोने का सवाल ही नहीं है हरिनाम कर रहा है और यहाँ पुजारी तो मंदिर को बंद करके अपना विस्तारा पे चले गए और और हमारा ये जो खीर चौरा गोपीनाथ जो है बाद में नाम हुआ गोपीनाथ सपने में आए बोले तुम जल्दी उठो जल्दी उठो ना लो ना के मंदिर खुलो क्यों क्यों क्या बात है भले मंदिर में तुम रोज बारह मित्र का कुंड भोग लगाते हो तुमको आज याद नहीं है तुम ख्याल नहीं किया तुमने अटेंशन नहीं दिया तुमने ख्याल नहीं किया इसमें ग्यारह ग्यारह खीर का पात्र तुमने लेके गए पर एक खीर मैं इच्छा करके कपड़ा फैला के उसको चोरी किया ताकि मेरा एक भक्त है जिनके नाम है माधोविंदपुरी पुरीपाद वो उसको हम देने के लिए तैयार है खीर चौरा गोपीना गोपीनाथ चोरी किए यहाँ मंदिर बंद करके खीर का कटोरा लेकर पुजारी डोल रहे चारोर कहा पुरी किसका नाम माधविंदपुरी आप गोपी गोपीनाथ ने सपने में आए बोले माधवबिंदुपुरी पाद है विलेज मार्केट में बैठा हुआ हरिनाम कर उसको जाके एक खीर पहुँचाओ उसको जाके एक खीर पहुँचाओ जल्दी जाके जल्दी पहुँचाओ खीर मेरा भक्त है पुजारी जाके जानकारी कर ली और माधवबिंदुपुरी पाद अपना परिचय दी और खीर को ग्रहण किए दंडवत करके और खीर खीर प्रसाद को पाने लगे आह कितना टेस्टी है इसका साथ नाम भी चल रहा है सब कुछ चल रहा है ये जो एक पात्रों जो एक कटोरा जो खीर ये तो भोजन खीर कर दिए माधवेंद्र पूरी बात सिर्फ इतना ही नहीं सिर्फ इतना ही नहीं ये तो ये जो पात्र है मिट्टी आ, जो आश्चर्य जो एक पात्र है जो पात्रों में खीर गोपीनाथ ने चुराया खीर खाने का फिर पाने का बाद वो पात्र को टुकड़ा टुकड़ा करके रख दी कहा ये कपड़ा का बंधन में कपड़ा का बंधन में क्यों बोले रोज एक एक टुकड़ा को मुंह में चबाते हैं तो उसको प्रेमा आता है बहुत प्रेम अफ्लाड और प्रेमा प्रेम की बार आता है हृदय में क्या कहूँ माधवबंदपुरी बात ऐसा करके तमाम विचार को सोचा कि सुबह में होते ही लोग मेरे को माला चराने के लिए आएगा सुबह होते ही मेरा मेरा पूजा शुरू हो जाएगा सुबह होते ही तो इसलिए मैं रात की अंधेरा में आई बात समझ में अंधेरी रात में सुनसान राहों में अब सब छोड़ के जाने लगे चलो चले क्योंकि सुबह होते पूजा शुरू कर देगा मेरा हाय राम प्रतिष्ठा जो वास्तव वैष्णव है प्रतिष्ठा को घृणा करता है प्रतिष्ठा चाहता है वैष्णवी प्रतिष्ठा चाहता है केशव गुस्से महाराज ने क्या कुछ नहीं किया एक उदाहरण दे दे आप हैरान हो जाओगे कितना इनके आविर्भाव त्रिवाद में हम चर्चा करते रहते हैं फिर भी कमी नहीं है बहुत है शिवा संगन में एक टुकड़ा जमीन मुसलमान लोगों ने हड़प कर लिया कोर्ट में फाइल कोर्ट में फाइल केस फाइल हुआ और लिटिगेशन जो है प्रोसीड कर रहा है हो रहा है जब इंस्पेक्शन के लिए आ रहा है जब इंस्पेक्शन के लिए आ रहा है पुलिस डिपार्टमेंट से तो कैसा गुस्से मैंने क्या क्या किया के सब गुस्से मैंने क्या क्या किया एक बड़ा नारियल पेड़ उठ को काट के लिया आम पेड़ जाम पेड़ बड़ा बड़ा ये सबको काट के उखाड़ के लाया और ये जो शिवा का जमीन है उसमें गाड़ दिया ये साबित करने के लिए कि ये पुराना है हमारा मटका जब इंस्पेक्शन पार्टी आए मुस्लिम पार्टी को भी बुलाया गया वो आके तो पागल हो गया अरे यह तो कोई पेड़ पौधा नहीं था कहाँ से नारियल पेड़ आ गया कहाँ से आम पेड़ आ गया कहाँ से इतना केला पेड़ आ गया केशव गति महाराज ने केस को प्रसिद्ध करने के लिए इच्छा करके इतना पेड़ पौधा के लगा दिया साबित करनी है पुराना है आई बात समझ में ऐसा धुरंधर विद्वान और धुरंधर आयन का ज्ञान है तो ये सब दुष्टो व्यक्ति दुर्योधन के लिए कुछ अगर किया जाए उसमें कोई हर्जा नहीं है ये तो झूठा इल्जाम जम लगा रहे क्या किया जाए तो ये बात आता है माधविंदुपुरीपाद जी माधविंदुपुरीपाद जी का जो प्रेम है ये बड़ा आश्चर्य प्रेम है और बाद में पुरुषोत्तम नाम से इतना सारे चंदन कर्पूर इकट्ठा करके फिर आए और गोपाल ने फिर सपने में आए जब माधविंदुपुरपाद ये खीर चौरा गोपीनाथ जो मंदिर है उसका बारंडा में सो गया रात को अब फिर सप फिर सपने में आए गोपीनाथ बोले देख गोपाल आए सीनाजी जी गोपाल आए सपने में अब बोल रहा है पूरी पूरी तुम्हारा जितना चंदन और कर्पूर है सब मिल गया सब मिल गया तुमको वृंदावन जाने का जरूरी है नहीं तुम इधारी ही लिपाई कर दो ये जो मैं मेरा यहाँ जो गोपीनाथ विग्रह है ये मेरा विग्रह के साथ अभी लगा दो विश्वास करो मेरा बात मेरा शरीर का जलन मिट जाएगा तुम चिंता मत करो इसको घीसना इसको घीसना पीसना शुरू कर दो और चंदन और कर्पूर लेके घीसना शुरू कर दिया और ये जो चंदन का लिपाई है शरीर भगवान का शरीर में हर चंदन जता उत्सव में ये क्या है शिला पाठ का दो चंदन महोत्सव याद करने के लिए उनको याद करने के लिए सब व्यवस्था की भक्तों का ये ख्वाहिश है अभी प्रश्न ये आता है चलो ठीक है माधविंदपुरीपाद जी निष्किचंद वैष्णव है किसी से कुछ मांग के आज तक खाया नहीं इतना निस्किनचन है कहने का लायक नहीं है अब जो निष्किंचन है निष्किंचन होते हुए भी माधविंदुपुरी पाद जी जुक्त वैराग्य दिखाया कैसे महाराज कैसे भले जो माधविंदुपुरीपाद किसी से दूध मांग के खा खाने वाला नहीं है माधविंदुपुरीपाद अपना भजन जिंदगी में कभी भी दूध मांग के खाया नहीं दूध मांग के भी खाया नहीं तो जिन्होंने दूध मांग के खाया नहीं उन्हें उनको क्या करना है वो क्या करें वो तो मांगा नहीं कुछ संतुष्ट है अंतर में लेकिन एक बात है ये निष्किंचन है प्रापंचिकया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तूनो ये सब श्लोक है अनाशक्त स्व विषयानो यथारोह ये सब श्लोकों का व्याख्या अंग्रेजी में ज़्यादा हुआ है कहने का मतलब है सिन्हा जी कह रहे हैं कि चंदन मेरा शरीर में लिपा करने से हो जाएगा क्यों इतना दूर देश चंदन को शर पे लेकर चलना और बीच में कोई ट्राइबल पार्टी आ जाए मुस्लिम आ जाए उसको स्पर्श कर दे लड़ाई सुगुर शुरू करे हे कहाँ से मिला चंदन पैसा ला टैक्स दे टैक्स ला इसलिए तमाम व्यवस्था इच्छा करके गोपीनाथ जी भगवान गोपीनाथ इच्छा करके बताए कि माधव बिंदु अगर वृंदावन का ओर प्रस्थान करे ये चंदन का इतना बड़ा बोझ है कहाँ जाएगा इच्छा करके सपने में आए बोले देखो मेरा शरीर और ये गोपाल मेरा सेना जी को भाई ये शरीर एक है अलग नहीं है तुम निश्चिंत होकर लिपाई करो इसी से हम लोग मिला है अब दूसरा एक इम्पॉर्टेंट सिद्धांत तो है जो शुरुआत में किया था निष्किंचन और जुक्त वैराग्यों का जो महिमा है काल थोड़ा टाँच करके हम धाम का बारे में बोलना ठाकुर जी का कृपा से शुरू करें गुरु वैष्णव का अनुगत्व है अंतर्दीप परिक्रमा आदि उसका पहले ये जो विशेष है युक्त वैराग्यों का कैसे धाम परिक्रमा करने से पक्का फल मिलता है तो बोला फिर भी हम शुरू होगा अब ये प्रश्न आता है जो माधवंदपुरी पाद कभी किसी से कुछ मांग के भी नहीं खाया उसका उसका गोपाल सेवा में दस हजार गौ माता क्यों लिया हमको तो चार पांच गोरु गौ माता को कंट्रोल करने के लिए खटिया खड़ा हो गया क्यों ये कुछ ज़्यादा समस्या नहीं है लेकिन ये सब अज्ञान है अनपढ़ आदमी है समस्या खड़ा कर देते हैं इच्छा करके तो कोशिश में हूं जो कैसे सेवा चले अच्छा से कोई मुसीबतें ना हो अब ये जो एक एक रोटी भी मांग के नहीं खाता दूध तो कभी नहीं मांग के खाता तो फिर क्या करें ये गो ये माधोबिंदुपुरी बात वही बिंदु बिंदुपुरी बात एक ही माधव बिंदु बुरी बात जो अपना लिए कभी भी कुछ नहीं किया निष्किंचन जुक्तो तो आशर कह के, के निष्किंचन है जिन्होंने किसी से कुछ नहीं मांगा अब वो कैसे दस हजार माता को ले लिया कौन संभालेगा इसका नाम है रूपानुगो भजन हैरान की बात है भगवान का किपा है आश्चर्य किपा है ये कैसे हो सकता नहीं तो सारे जिंदगी कुछ नहीं लिया लेकिन माधविंदुपुरी पाद आजी दस हजार गौ माता गोपाल का सेवा के लिए आई कैन डू एनी थिंग एंड एवरीथिंग फॉर कृष्ण भजन इसको साबित करने के लिए इसको साबित करने के लिए जो देखो इसको साबित करने के लिए युक्त जुक्तो वैराग्य हैं और आई कैन गो डाउन टू एनी लेवल फॉर द एक्चुअल पिचिंग ऑफ गोरंगमा, एक्चुअल पिचिंग ऑफ चैतन्य महाप्रभु बापा जी ने कहा है माधोवंदपुरी बात जुगत वैराग्य दिखाए दस हजार गो माता महाराज कैसे संभले जुक्तो वैराग्य का ऐसा इतिहास है अगर भगवान संतुष्ट हो जाए अगर भगवान संतुष्ट हो जाए तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ मैं भांगी का माप भांगी का मापिक ये जो मोरी है नर्दवा परिष्कार करने के राजी हूँ मैं राजी हूँ कोई इतराज नहीं है लेकिन सेवा भगवान का सेवा के लिए मैं सर्वदा ये जो जुक्तो वैराग्य का विषय है हम काल पुनः ये दो श्लोक को ज़्यादा बढ़ाते नहीं हुए हम थोड़ा स्पर्श करेंगे करके फिर नवद्वीप धाम अंतर्दीप परिक्रमा सिमंतदीप आदि कैसे कैसे कब कब क्या होता है जितना हो सके आप लोगों का करुणा के द्वारा प्रेरित होकर मैं कहने का प्रयत्न करूं जरूर आज यहाँ तक कथा का विश्राम दे परिपात का ये जो श्लोक है ये कृपा है हम लोगों के लिए हम लोग इतना विषयी है इतना गिरा हुआ है इतना नीचा है जो कह नहीं सकता इसीलिए कृपा करके अपरागिक जगत का हरिकथा को ही सुनो दूसरा कुछ रास्ते में जाओ कोई फायदा नहीं है दूसरे कुछ रास्ता में जाओ तो कोई फायदा नहीं है क्या करोगे आई दिन दयादनाथ हो मथुरानाथ आई दिन दीन हे मथुरानाथ ऐ दीनद्यारदनाथ हे मथुरानाथ कदाबल कशीद तदलोक कातरम द्वैतो किम करोमी हम जय नवदीप धाम की जय हो माधविंदुपुरपाद जी की जय हो गौरंग महा आविर्भावक्ष्य में नवदीप धाम परिक्रमा जय हो भक्त बिंदु की जय हो वैष्णव बिंदु की जय हो हरिनाम संकीर्तन की जय हो भक्त बिन्नु की जय हो गौर प्रेमानंदे हरि बोल